बोर्चिन, बस कर दो आप। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे लिए जहर बन रहा है, दिख नहीं रहा तुम्हें? पहले अब्बास और अब सिपाही, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गए हैं सब के सब। इसी वजह से कबीले में सुकून नाम की चीज नहीं रही। पता नहीं उस्मान साहब ने और कितनी जानें जाया करनी है। क्यों तुम इतनी परेशान हो? हाँ, खुद को मुसीबत में मत डालो। आइगुर, उस्मान तुम्हें भी इसी तरीके से इस्तेमाल करेगा, देख लेना तुम। एक दिन तुम भी उसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। पता है, तकलीफ में हो तुम इस वक्त, और उस तकलीफ में तुम खुद को खत्म कर रही हो। लेकिन हाँ, अल्लाह की तकदीर को भूलकर उस्मान पर इल्जाम लगा रही हो, और उस्मान की वजह से मुसीबत में पड़ना फख्र की बात है, समझ लो। समझती हूँ मैं। अब्बास शहीद हुए हैं, लेकिन उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उस्मान की लापरवाही है। मजीद अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। जिस दिन तुमसे कोई तुम्हारा प्यारा जुदा होगा, उस दिन तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। मुझे अकेला छोड़ दो। बुर्जिन, बात सुनो, बात सुनो मेरी। वही ठहरो। दुंदार की बेटी, सिपाही आने से पहले ये काम खत्म करना है। चलो। अभी तक उस्मान से नाराज हो? ये मत भूलो कि वो तुम्हारे ही प्यार का इंतकाम लेने गया है। मेरा अब्बास मुझसे पिछड़ गया आइगुल, अभी भी मुझसे इंतकाम की उम्मीद है? तुम कभी नहीं समझ सकती कि मेरे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। क्या चाहते हो? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? उस्मान ने हाकिम को मार दिया और वही कहीं छुपा हुआ है। उसे वहां से निकालने के लिए हमें किसी की जरूरत है, और वो आप हैं आयगल खातून।